इस वीडियो में आपको बताऊंगी AI एनिमेटेड स्टोरी वीडियो कैसे बनाएंगे। मैंने अपनी कई वीडियोस में इस तरीके की एनिमेटेड स्टोरी वीडियो बनाना सिखाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ इस तरीके की एनिमेटेड स्टोरी वीडियो बनाना सिखाऊंगी। पहले आप यह वीडियो देखें। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गाँव में एमिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसके पास एक विशेष उपहार था, जानवरों की भाषा समझने की क्षमता। एक धूप भरी सुबह एमिली ने अपने पिछवाड़े में पुराने ओक के पेड़ से व्यथित चहचहाहट सुनी। बाहर भागते हुए उसे बेनी नाम का एक बच्चा पक्षी मिला, जो एक निचली शाखा पर बैठा था। रात के तूफान के दौरान बेनी अपने घोंसले से गिर गया था। कोमल हाथों से हाथों में उठाया। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस तरीके की AI कैरेक्टर एनिमेटेड स्टोरी वीडियो कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टेप नंबर 1, स्टोरी जनरेट विद चैट GPT। स्टेप नंबर 2, इमेज जनरेट। स्टेप नंबर 3, क्रिएट AI अवतार। स्टेप नंबर 4, वीडियो एडिटिंग। अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले। स्टेप नंबर वन में हम करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हम ChatGPT का यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक स्टोरी जनरेट करा ली है और इसे कर लेंगे हम कॉपी। आप जैसी चाहे वैसी स्टोरी यहाँ से जनरेट करा सकते हैं। सो मैंने लिखा था ए शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी। सो ये वाली स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। अब हम करेंगे इसे हिंदी में ट्रांसलेट। आप चाहे तो ChatGPT से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गूगल ब्राउज़र में लिखती हूँ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, और यहाँ पर इंग्लिश वाले सेक्शन में मैं स्टोरी को पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टोरी पेस्ट कर दी है और यहाँ पर हिंदी में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। अब हम इस स्टोरी को कर लेंगे सेफ, इंग्लिश वाली को भी और हिंदी वाली को भी, क्योंकि इंग्लिश वाली से हम करेंगे इमेज जनरेट। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर हम करेंगे इमेज जनरेट। इमेज जनरेट के लिए हम गूगल ब्राउज़र में लिखेंगे लेक्सिका और ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। एंड आपको सर्च बार में लिखना है, यहाँ पर पेस्ट कर देनी है अपनी इंग्लिश वाली स्टोरी की एक दो लाइंस। यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट और सर्च कर लेंगे। सो यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं 1952 इमेज यहाँ पर शो हो चुकी हैं। सो यहाँ पर आपको जो इमेज अच्छी लगे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जनरेट हो ही हुआ ही है, सो आप इन्हीं का यूज़ करके स्टोरी जनरेट करा लीजिए। आपको कोई अलग से इमेज जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर ये वाली मैंने डाउनलोड कर ली है गैलरी में। और अगर आपको और कोई सी इमेज अच्छी लगे आपकी स्टोरी से रिलेटेड, सो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। सो आपको 1x1 करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। सेकेंड पैराग्राफ की 2-3 लाइन करेंगे कॉपी और पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी से रिलेटेड सभी इमेजेस यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जितनी चाहे उतनी इमेज यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट AI अवतार। इसके लिए हम इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे, कैडो AI। आपको क्रोम ब्राउज़र में लिखना है और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। पहले आप इसे साइनअप कर लें एंड फ्री ट्रायल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर डिजिटल ह्यूमन वीडियो क्रिएशन पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये अवतार शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे, ये 5 अवतार्स फ्री में अवेलेबल है। इनका यूज़ करके आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं ये वाला करैक्टर सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपको यहाँ से कोई एक करैक्टर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देना है हिंदी वाली को, क्योंकि हम बनाएंगे स्टोरी को हिंदी में। सो यहाँ पर मैं स्टोरी पेस्ट कर देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पर 800 वर्ड्स ही
आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप 800 वर्ड्स की ही वीडियो जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं फालतू वर्ड्स जो कट कर देती हूँ और यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेती हूँ हिंदी। यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ हिंदी। सो यहाँ पर हमारे सामने ये हिंदी इंडिया लैंग्वेज आ चुकी है, इसे हम कर लेंगे सिलेक्ट। और यहाँ से आपको मेल की वॉइस चाहिए या फीमेल, ये हमारा मेल है सो मैं मेल की वॉइस सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है ऑडिशन, आप ऑडिशन पर क्लिक करेंगे और अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट सुनकर देख लेंगे। सो यहाँ पर मैंने ऑडिशन पर क्लिक किया और आप इसे सुन ले अच्छी तरीके से कि आपका ये सही है या गलत। एंड जनरेट वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जनरेट वीडियो पर अगेन से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइमिंग शो हो जाएगी ये कितनी देर में कंप्लीट होएगी, 20 मिनट में। सो 20 मिनट के बाद ये जो डाउनलोड का आइकन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ये वीडियो गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए हम इंसर्ट एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। सो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। वीडियो पर क्लिक करेंगे, प्लस वाले निशान पर क्लिक करेंगे न्यू, और यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने लेक्सिका वेबसाइट से डाउनलोड की थी। कैनवास पर आकर हम इसे फुल स्क्रीन कर लेंगे। सो आपको वन बाई वन करके यहाँ से सिलेक्ट करना है कैनवास और फुल स्क्रीन कर देना है अपनी सभी इमेजेस को। सो यहाँ पर मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है सभी इमेजेस को। इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लें। इसके बाद ये वाली कट कर देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं ये वाली इमेज। पीप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वीडियो वो वाली सिलेक्ट करेंगे जो हमने कैडो AI वेबसाइट से जनरेट की थी। सो यहाँ पर हम क्रोमा पर आ जाएंगे और ये ग्रीन वाला पार्ट हम कट कर देंगे इस तरीके से, और इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं कॉर्नर में इसे एडजस्ट कर लूँगी, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है। अब आप इसमें एनिमेशन डाल दीजिए। यहाँ पर एनिमेशन पर आइए और कॉम्बिनेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एनिमेशन हो जाएगी आपकी इमेज। सो आपको वन बाई वन करके सभी इमेजेस में एनिमेशन का यूज़ कर लेना है। इस तरीके से आपकी स्टोरी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने वन बाई वन करके एनिमेशन डाल लिया है सभी इमेजेस में। सो यहाँ पर एनिमेशन के बाद आपको इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेना है। देन आपको इसका वाटरमार्क रिमूव करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये फ्री में रिमूव हो जाएगा 800 होने के बाद। इसके बाद आप वीडियो को गैलरी में सेव कर लें और आपकी वीडियो बिल्कुल रेडी है। हमारी वीडियो किस तरीके से बनकर तैयार हुई है आप वीडियो देख सकते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एमिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसके पास एक विशेष उपहार था, जानवरों की भाषा समझने की क्षमता। एक धूप भरी सुबह एमिली ने अपने पिछवाड़े में पुराने ओक के पेड़ से व्यथित चहचहाहट सुनी। बाहर भागते हुए उसे बेनी नाम का एक बच्चा पक्षी मिला जो एक निचली शाखा पर बैठा था। रात के तूफान के दौरान बेनी अपने घोंसले से गिर गया था। कोमल हाथों से हाथों में उठाया। If you like this video, so please like, share this video and subscribe this channel. Thanks for watching.